नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हमने डेली एमसीक्यू सीरीज चालू की थी, जिसमें कि हम राजस्थान के जो पिछले एग्जाम है उनमें राजस्थान जीके से संबंधित जो एमसीक्यू प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनको डिस्कस करते थे। तो अब आज हम देखते हैं, कुछ प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गागरोन का किला स्थित है, तो गागरोन का दुर्ग कहाँ पे स्थित है? वो स्थित है झालावाड़ में। गागरोन का दुर्ग कहाँ पे स्थित है? झालावाड़ में। अगला प्रश्न है, पशु पक्षियों और प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्र शैली की विशेषता है? तो बूंदी चित्र शैली। बूंदी चित्र शैली में क्या है? पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया जाता है। पशु पक्षियों का चित्रण कौन से चित्र शैली में किया जाता है? वह है बूंदी चित्र शैली। नेक्स्ट है, पीठीरा गीत कद गाई जाए। ठीक है, तो पीठीरा गीत कद गाई जाए, तो पीठी मतलब किसे कहते हैं? वो हल्दी लगाते हैं ना, तो वो पीठी उस टाइम का विवाह के टाइम गाया जाता है। ठीक है, तो पीठी रागीत कर गाई जाए, तो इसका आंसर होगा विवाह के टाइम, या मतलब विवाह। नेक्स्ट हम देखते हैं, कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है? तो बाड़मेर जिले में कौन सा स्थित नहीं है? मंगला बाड़मेर में है, भाग्यम बाड़मेर में, ऐश्वर्या ये भी बाड़मेर में, घोटारू घोटारू बाड़मेर में नहीं है। ठीक है, तो घोटारू इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैन कवि समय सुंदर री रचना नी है, तो नी मतलब नहीं है। ठीक है, तो जैन कवि समय सुंदर री रचना कौन सी नहीं है ये बताना है। तो मृगावती रास इनकी रचना है, नल दमयंती चौपाई ये भी समय सुंदर की जी की रचना है, सीताराम चौपाई ये भी इनकी रचना है, लेकिन जो पद्मिनी चरित चौपाई है वो उनकी रचना नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे हम देखते हैं, भीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे को कहा जाता है? तो भील होते हैं ना, उनके कमरे के बाहर जो बरामदा होता है या गैलरी होता है उसे क्या कहा जाता है? डहलिया। तो ये याद रखना है कि डहलिया क्या है, जो भील जनजाति के लोग होते हैं उनके कमरे के बाहर एक बरामदा बनाया होता है उसे कहा जाता है डहलिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है? तो एसटी की जो महिला साक्षरता है वो न्यूनतम किस जिले में है? वह है सिरोही में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी की जो महिला साक्षरता न्यूनतम है वो कौन से जिले में? सिरोही जिले में। आगे हम देखते हैं कि कौन सी साहित्यिक कृति राजस्थानी साहित्य आदिकाल से संबंधित है? तो राजस्थानी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कौन सी कृति है? वह नेमिनाथ रास। कौन सी है? नेमिनाथ रास। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी त्रिलोक चंद्र माथुर ने। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी त्रिलोक चंद्र माथुर ने, और कब की थी? 1938 में। अगला प्रश्न देखते हैं, लोक नाट्य चार बैत निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चार बैत कहाँ से संबंधित है? वह टोंक से। चार बैत का संबंध है टोंक से। नेक्स्ट है कि पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में स्थित है? तो स्वर्ण किला या सोनार दुर्ग है जैसलमेर में स्थित। अगला प्रश्न है, सिरोजम वृद्धा किस जिले में मिलती है? तो सिरोजम वृद्धा मिलती है जयपुर जिले में। कौन से? जयपुर में। अगला प्रश्न है कि कौन सा संत राजस्थान का नी है? नी मतलब नहीं है। ठीक है, तो कौन से संत है जो कि राजस्थान के नहीं है? पीपा जी राजस्थान के है, जम्बो जी राजस्थान के, लालदास जी राजस्थान के, जबकि अखा जी है वो राजस्थान के नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण कहाँ रखी हुई है? तो एशिया की सबसे बड़ी तोप है जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ग्रेनाइट नाइस श्रेष्ठ चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा मिलती है? ठीक है, तो ग्रेनाइट नाइस श्रेष्ठ ये सब चट्टाने हैं, इनके विखंडन से कौन सी मिट्टी मिलती है? वह लाल पीली मिट्टी मिलती है। ग्रेनाइट नाइस श्रेष्ठ इन चट्टानों के विखंडन से मिट्टी मिलती है, वह है लाल पीली। अगला प्रश्न है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर मंदिर किस शैली से संबंधित है? तो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है वह गुर्जर प्रतिहार शैली से। कौन से? गुर्जर प्रतिहार शैली से संबंधित है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है कि झामर कोटड़ा की खाने किसके लिए जानी जाती है? वह रॉक फॉस्फेट के लिए। तो झामर कोटड़ा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि अमरशाही उदयशाही खंजरशाही ये सब क्या है? राजस्थान की पगड़ियों की शैलियां है। राजस्थान में जो पगड़ियां हैं उनकी शैलियां है कौन सी? अमरशाही उदयशाही खंजरशाही ये सब क्या है? पगड़ियों की शैलियां है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान की कौन सी बोली मध्य प्रदेश का कई जिला में बोली जाए? मतलब ऐसी कौन सी राजस्थानी भाषा है जो कि मध्य प्रदेश के भी काफी जिलों में बोली जाती है? वह है मालवी। मालवी एमपी में बोली जाती है।
राजस्थान के साथ साथ। अगला प्रश्न है कि ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कहलाती है, तो ऊंट की खाल पर जो सोने से मीनाकारी की जाती है वो कहलाती है उस्ता कला, और उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, वह है बीकानेर है स्थित। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित गायों गाय की नस्लों में से किसका मूल स्थान राजस्थान में माना जाता है, तो कौन सी गाय की नस्ल जो कि मूल रूप से राजस्थान की मानी जाती है, वह राठी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है, तो रत्ना राजस्थान में उगाई जाती है, बाला, गोविंद, ये सब राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्में हैं, जबकि ज्योति है वो राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट हम देखते हैं, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला वेणेश्वर मेला किस जिले में स्थित है, तो वेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है, डूंगरपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, दुधवा खारा का आंदोलन किस रियासत से संबंधित था, तो दुधवा खारा का आंदोलन था बीकानेर रियासत से संबंधित। अगला प्रश्न है कि अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है, तो अमर सागर जो पवन ऊर्जा परियोजना स्थित है जैसलमेर में, कहाँ स्थित है, जैसलमेर। नेक्स्ट है कि संत मावजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो संत मावजी थे निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक, तो संत मावजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे, निष्कलंकी संप्रदाय। अगला देखते हैं कि कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान की गई थी, तो 1857 में कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, वो थे मेजर बर्टन, और उनकी हत्या कर दी गई थी 1857 की क्रांति के समय। नेक्स्ट हम देखते हैं, अमर चुंदड़ी कहानी संग्रह रा रचनाकार है, अमर चुंदड़ी कहानी संग्रह किसने किया था, वो है नरसिंह राज पुरोहित ने। अमर चुंदड़ी कहानी संग्रह के जो रचनाकार है वह है नरसिंह राज पुरोहित। अगला प्रश्न है, यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के किस सभ्यता से मिले हैं, वह बैराट सभ्यता से। यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के मिले हैं बैराट सभ्यता से। नेक्स्ट प्रश्न है, कुर्जा, पीपली, घुगड़ी, केवड़ा, ये सब क्या है, तो कुर्जा, पीपली, घुगरी, केवड़ा, ये सब क्या है, राजस्थानी लोकगीत है। ठीक है, राजस्थान में गाए जाने वाले लोकगीत है कुर्जा, पीपली, घुगरी, केवड़ा, ये सब है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र कौन सा है, वह है बाबरमल। तो गुलाबी संगमरमर है उसका जो खनन क्षेत्र कौन सा है, वह है बाबरमल, गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है, तो चिरमी मिलती है कहाँ, पूर्वी मैदान में, राजस्थान के जो पूर्वी मैदान वाला इलाका है वहाँ चिरमी अधिक पाई जाती है। चिरमी क्या होता है, एक इस टाइप का बीज होता है जो काला और लाल रंग का बना होता है, तो पुराने टाइम में जब इलेक्ट्रॉनिक जो तुला नहीं होता था तब क्या करते थे, सोनार वगैरह होते हैं ना, सोना चांदी तोलने में इस चिरमी के बीजों का उपयोग करते थे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि केसरी सिंह बारट चेतावनी रा चुंगटिया किनने संबोधित करने हेतु लिखिया। ठीक है, तो केसरी सिंह बारट ने क्या लिखा था, चेतावनी रा चुंगटिया लिखा था, और वो किसके लिए लिखा था, वो लिखा था महाराणा फतेह सिंह से के लिए। तो महाराणा फतेह सिंह ने चेतावनी रा चुंगटिया को सुनने के बाद दिल्ली दरबार में शामिल होने से इनकार कर दिया था, तो वो लिखा गया था किसके लिए, महाराणा फतेह सिंह के लिए। अगला प्रश्न है, वागड़ पर्यटन सर्किट में खालिस्तान सम्मिलित है, तो वागड़ पर्यटन सर्किट में कौन कौन से जिले आते हैं, वो आते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो वागड़ पर्यटन सर्किट में आते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। नेक्स्ट है कि पंजाब रे अबोहर फजिलका और भटिंडा खेतर में राजस्थानी री कौन सी बोली रो असर है, तो पंजाब वाले इलाके में राजस्थान की कौन सी बोली बोली जाती है, वह है बागड़ी। ठीक है, तो एक तो होता है वागड़ी, ठीक है, वागड़ी, और एक होता है बागड़ी, तो ये क्या है, बागड़ी वाला है। ठीक, बागड़ी, तो बागड़ी क्या है, एक मारवाड़ी की उप बोली है, क्या है, मारवाड़ी की उप बोली है, और ये बोली जाती है गंगानगर तथा हनुमानगढ़ में, गंगानगर और हनुमानगढ़ में बोली जाती है, हनुमानगढ़ में बोली जाती है बागड़ी, और ये क्या है, मारवाड़ी की उप बोली है। जबकि जो वागड़ी होता है वो क्या है, एक प्रमुख बोली है जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। तो गंगानगर हनुमानगढ़ आपको पता है कि पंजाब के पास है, तो पंजाब में किस बोली का असर देखने को मिलता है, बागड़ी, जो कि मारवाड़ी की उप बोली है। आगे हम देखते हैं, मालवा के किस शासक को परास्त कर महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण किन्होंने करवाया था, महाराणा कुंभा ने करवाया था, और किन पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, वो मोहम्मद खिलजी फर्स्ट को हराया था, तब महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था।
आगे हम देखते हैं सीताबाड़ी मेला मुख्यतः जनजाति से संबंधित है। तो सीताबाड़ी मेला कौन सी जनजाति से संबंधित है, वह सहरिया जनजाति से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में सीसा जस्ता के सबसे बड़े भंडार कहाँ पे मिलते हैं, वह सिंदेसर कला, सिंदेसर तथा कला ये स्थान है वहाँ पे सीसा और जस्ता के सबसे बड़े निक्षेप पाए जाते हैं। अगला हम देखते हैं मारवाड़ विजय का प्रतीक सरगासूली, सरगासूली क्या है, मारवाड़ क्या मराठा विजय का प्रतीक है। ठीक है, सरगासूली क्या है, मराठा विजय का प्रतीक है और इसका निर्माण करवाया था ईश्वरी सिंह ने। तो सरगासूली क्या है, मराठा विजय का प्रतीक और इसका निर्माण करवाया था ईश्वरी सिंह ने। नेक्स्ट हम देखते हैं बड़ला सोलर प्लांट राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो वह है जोधपुर। पहले जोधपुर में स्थित था, अब तो फलोदी बन गया है नया जिला, तो फलोदी ऑप्शन में हो तो फलोदी भी, फलोदी राइट होगा। तो बड़ला सोलर प्लांट स्थित है फलोदी के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रोवर बजरंग लाल ताकर राजस्थान के किस जिले से संबंधित है, तो वो है सीकर जिले से। ठीक है, तो बजरंग लाल ताखर का संबंध है सीकर जिले से है।